पूर्वांचल और प्रवासी समाज के लोगों को बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया है। अब बताओ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां हैं, पूर्वांचल को टिकट ही नहीं देती है। दो टिकट, तीन टिकट सत्यनारायण भगवान का प्रसादी बनाए हुए हैं। और केजरीवाल जो तमाम पूर्वांचल और प्रवासी के बोर्ड से तरह से इस सत्ता में आए हैं, ये भारी नौटंकीबाज है। के सभी भाइयों और बहनें भी हैं, उनको मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं। और आज सबसे जो प्रमुख दो हमारा मुद्दा है, चूंकि दिल्ली में पूर्वांचल 60% है, 60%, और अप्रवासी 20% हैं। और दिल्ली को बनाने संभालने में, डेवलप करने में पूर्वांचल अप्रवासियों का ही हाथ है। जहां 80% एक तरफ वोट है, वहीं दूसरी ओर मात्र 20% जो दिल्ली के रहने वाले जो पुराने बासिंदे हैं, उन लोगों के हाथ में सत्ता शुरू से रहा है आज़ादी के बाद, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आज आम आदमी पार्टी हो। जो सबसे प्रमुख डिमांड था पूर्वांचल प्रवासी का, वह था अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज करना। लेकिन तीनों पार्टियों की सरकार ही, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, लेकिन आज तक जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड रहा है, सबसे पुराना डिमांड रहा है अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज करना, आज तक ये पूरा नहीं हुआ है। इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। और पूर्वांचल अप्रवासी के जितने तमाम दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से आए अप्रवासी भाई, और पूर्वांचल जो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल से जो आने वाले पूर्वांचल के लोग हैं, बिल्कुल ही तीनों पार्टियों से बिल्कुल खफा हो गए। इसलिए सब लोग के निवेदन पर दिल्ली के आम जो पूर्वांचल और अप्रवासी लोगों के डिमांड पर हमने यहाँ शोषित इनकलाब पार्टी का गठन किया है। और उसके लिए मैंने नवीन सहगल साहब, जो शुरू से ही अप्रवासी के लड़ाई लड़ते रहे हैं, पूर्वांचल की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी जो मुख्य लड़ाई है उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला है जहां इन्होंने मीटिंग नहीं कराया हो। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले इनको शोषित इनकलाब पार्टी का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते शोषित इनकलाब पार्टी का दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ, मनोनीत करता हूँ। और एक ही मुख्य टारगेट है, एक ही मुख्य लक्ष्य है कि जहाँ 80% जनसंख्या पूर्वांचल और अप्रवासी का है और 20% यहाँ राज कर रहा है, तो ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। जिसकी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये हम लोग चलने नहीं देंगे। और इस मुहिम में हम लोग दिन और रात एक करके दिल्ली के तमाम पूर्वांचल अप्रवासी लोगों को एकजुट करेंगे। जो दिल्ली में रहने वाले हैं उसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन चूंकि अभी तक पूर्वांचल और प्रवासी समाज के लोगों को बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया है। अब बताओ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां हैं, पूर्वांचल को टिकट ही नहीं देती है। दो टिकट, तीन टिकट सत्यनारायण भगवान का प्रसादी बनाए हुए हैं। और केजरीवाल जो तमाम पूर्वांचल और अप्रवासी के बोर्ड से तरह से इस सत्ता में आए हैं, ये भारी नौटंकीबाज है। इसके औकात को हम बता देंगे, वोट हमारा है
राज तुम्हारा हम नहीं चलने देंगे, ये हमारा खास तौर से घोषणा है। मुख्यमंत्री का चेहरा विकसित करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि रोहनचल का बेटा बनेगा सीएम, इसके लिए दिल्ली के तमाम जो प्रमुख फेस हो सकते हैं मुख्यमंत्री का दिल्ली, उससे हम लोग की विचार विमर्श चल रहा है, और जो ही एक बहुत सुटेबल फेस चेहरा सामने आवेगा तो आप मीडिया के सामने मैं घोषणा करूंगा। अभी हम लोग का मुख्य जो काम है पार्टी को काफ़ी मजबूत करना, ताकि ये तीनों पार्टियों को हम लोग जवाब दे सकें। शोषित इनकलाब पार्टी लोगों के बीच में अपना क्या मैनिफेस्टो लेकर जाएगी? देखिए, पहला तो मैनिफेस्टो एक ही हमारा है कि दिल्ली का पूर्वांचल प्रवासी से मुख्यमंत्री बनाना। जब हमारा पूर्वांचल प्रवासी से मुख्यमंत्री बन जाएगा तो सारा डिमांड ऑटोमेटिक दिल्ली के समस्या जितने हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले को हम लोग अपना घर देंगे, उसी तरह से जो बिजली और पानी का जो प्रॉब्लम है उसको भी टाइम पर हम लोग कितना करेंगे और डिस्कस करके आप लोग को सामने बताएंगे। अनेकता में एकता की दिल्ली की पहचान है, तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ी कि पूर्वांचल का बेटा ही मुख्यमंत्री? नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि हमारा 80% जनसंख्या है, 80% हमारा पॉपुलेशन पूर्वांचल प्रवासी का है, और 20% वाले लोग हमारे कलेजा पर चढ़कर राज कर रहे हैं और बुरी तरह से लोगों को निगलेक्ट कर रहे हैं। और डिमांड छोड़ दीजिए, जो सबसे पुराना डिमांड रहा है कि दिल्ली को अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करना, अभी तक इन लोग नौटंकी करते रहे हैं, अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। पूर्वांचल अब प्रवासी के लोग अब इसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है, और जिस दिन हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करेंगे उसी दिन से दिल्ली में सब लोग को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में दिल्ली का मुख्यमंत्री पूर्वांचल प्रवासी का बेटा बनेगा, बेटा बेटी बनेगा। ये सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग। सर, ये 20% आप बार बार कह रहे हैं, इसको थोड़ा जस्टिफाई कीजिए। 20% 80% यहाँ दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं कि 80-20 से जो लड़ाई ना होता है? 80-20 देखे, पूर्वांचल और प्रवासी दोनों सहोदर भाई हैं। अब प्रवासी लोग पूरे देश के जितने राज्य हैं वहाँ से लोग दिल्ली में बसे हैं। पूर्वांचल जो मैंने कहा कि बिहार यूपी जो पूरा वाले इलाके हैं उनको पूर्वांचल बोलते हैं, तो 60% जनसंख्या पूर्वांचल का है और 20% अप्रवासी का है। मात्र 20% जो दिल्ली वाले लोग हैं, जो था पैसा इन लोग के पास है, पैसा दे दे करके बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टिकट देती है, बताओ कौन सा डेमोक्रेसी चलेगा? ये पैसे पर अगर टिकट बेचने का काम ये तीनों पार्टियां कर रही है, अब ये हम लोग का जो गरीब लोग हैं पूर्वांचल अप्रवासी के लोग, अब इसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है।